वहीं रेप केस में फंसे यूपी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को यूपी पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। प्रजापति की तलाश में लखनऊ पुलिस ने मंगलवार शाम को उनके गौतमपल्ली स्थित सरकारी आवास में दबिश भी दी। पार्क रोड स्थित उनके मकान में भी पुलिस ने छापा मारा, लेकिन मंत्री कहीं भी नहीं मिले। अमेठी में सोमवार को मतदान के समय गायत्री प्रजापति समर्थकों के साथ देखे गए थे, लेकिन मतदान खत्म होने के बाद देर शाम के बाद से ही वो अचानक गायब हो गए। दरअसल एक महिला ने आरोप लगाया कि गायत्री प्रजापति और उनके साथियों ने उसके साथ रेप किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ भी की। महिला ने इसको लेकर यूपी पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में केस दर्ज किया।